कोई घुमाने वाला ही नहीं है मुझे, कोई घुमाए घुमाओ मुझे कहीं पर। काटो फुल्ला दे तू आज, काटो फुल्ला दे फुल, मेरे तो कपड़े भी फुल्ला वाले पहने तो मैं तो बनी काटो पड़ी हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। तो हम आ गए हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, नींद अभी भी आ रही है, आंखें मेरी खुली नहीं है, पर स्कॉच विस्की को वॉक तो कराने पड़ना ही है, पर ये विस्की खींची जा रही है मुझे इतनी सुस्ती। विस्की उधर नहीं जाना, आ जा उधर, गाइस अभी वॉक करा के आई हूँ, सुबह सुबह इतनी गर्मी हो गई है ना, मुंह सूख गया वॉक करते करते, इतनी ज़्यादा गर्मी। आई थिंक बाहर कूड़े वाले भैया आए हैं, कूड़ा दे के आऊँ मैं, कूड़ा गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाइस सुबह सुबह ना कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, मेरे चाय के साथ मट्ठी खाने का बहुत मन कर रहा था, मैं जा रही हूँ सुबह सुबह मट्ठी लेने चाय के साथ, और वो स्कॉची भी आया साथ में, इसकी आराम से अपने घर में फोन लेके बैठी हूँ, उसको पता नहीं लगा हम आए हैं। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, लग ही नहीं रहा 7:30-8 बजे हैं, तो क्या बंदा ब्लॉग बनाए बाहर सड़कों पे धक्के खा के इतनी गर्मी में। बहुत गर्मी है, हमारे मांगे हैं बन, मिठे बन तो होपफुली मिल जाए, मेरे फिर मम्मी ने कहना ला अपनी मट्ठी ले आई है, मेरे बन लेके आई है। आगे सुबह सुबह मट्ठी लेने, तो भी हम लेंगे हल्दीराम की मठरी, और भी देखने मम्मा के पद। वो बैक एक की वजह से जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ उससे बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो फिर मेरे को चाय पीनी थी अच्छी सी है स्ट्रॉन्ग वाली, और मट्ठी खाने का दिल कर रहा है, तो वो करते हैं ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट पे बस मट्ठी और बटर एंड पन। मेरा ब्रेकफास्ट मॉर्निंग टाइम पे मेरी वीडियो देख रहे हो, नहीं तो लंच करो, नहीं तो रात को डिनर ही कर लो। सुबह सुबह मेरा मूड हो गया पिस ऑफ। रीज़न, पिछले 5-6 दिनों से मेरे बैक एक चल रही है, रात को थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था, और आज हमारी काम वाली दीदी ने छुट्टी कर ली बिना बताए। मैंने फ़ोन किया उनके हस्बैंड को, तब उन्होंने बताया कि वो आज आ नहीं रहे। बहुत मुश्किल से मेरी ठीक हुई थी, बस ये फ़र्क है, यही फ़र्क है उसका ना इंस्टा और यूट्यूब का। इंस्टा पे आप ये चीज़ें नहीं बता सकते कि हमारी काम वाले ने हमें झाड़ू पोछा मारना, गंगू भाई बनना है, कांता भाई बनना है, यूट्यूब पे ये भी बताना पड़ता है। मेरी गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा है ना, क्या बताऊँ मैं गाइस। छुट्टी करनी करो, एटलीस्ट बंदा बता के करे, रात से बंदा प्रिपेयर होता है कि चलो उन्हें नहीं आना, आधा काम रात को कर लो, अभी सुबह सुबह उठ के शुरू हो जाओ सारे काम करने। मेरी तो सोच के बैक एक स्टार्ट हो गई है। गंगू भाई बनी हूँ आज मैं गाइस, गुस्सा मुझे इतना आ रहा है, बैक एक स्टार्ट भी होगी मेरी दीदी पर, गुस्सा हो रहा मुझे। तो गाइस फाइनली सुबह का काम कर करके थक के अब फाइनली मैंने शावर लिया, और वैसे मैं जनरली आफ्टरनून में लंच नहीं लेती, पर आज काम करके इतनी भूख लगी ना, तो मैं लगी खाना खाने, लंच करती हूँ, नहा के थोड़ी सी वो आई है चुस्ती दुस्ती थी, तो थक के तो बुरा हाल हो गया था मेरा काम करके, बस सब करते हैं लंच। तो गाइस लंच हो गया रेडी, दाल करेले आलू परौंठी अचार और लस्सी। तो गाइस काम करके ना, जैसे कहते हैं ना बॉडी ड्रेन्ड हो गई है, तो मुझे पानी की मतलब उसकी क्या उसे कहते हैं की वर्ड होता है, डिहाइड्रेशन हो गई मुझे, मम्मी को याद आ गया मुझे नहीं आया, डिहाइड्रेशन होगी तो मैं लस्सी पीऊँगी। वैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि लंच करते नहीं है नॉर्मली, और सुबह ब्रेकफास्ट भी थोड़ा लाइट किया था, ऊपर से दीदी नहीं आई काम कर करके भूख लगने लग पड़ी, तो मैं लगी हूँ खाना खाने, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, मम्मा और भाई ने तो शुरू कर दिया है, तो मैं ना पीछे रह जाऊँ, जल्दी जल्दी खाना खा लिया स्कॉच को भूख लगी हुई। हाँ अभी होना था, अभी कतलेआम यहाँ पर स्कॉच को लगी हुई है भूख, और चिकन इनका बना भी गर्म बहुत है, ठंडा हुआ नहीं है तो रो रहा है, और विस्की फिर हमेशा की तरह उसको हड्डी से चिढ़ा रही है। गुगु भूख लगी सी, हाँ लगी सी, भूख लगी सी, स्कॉच तू टिक जा, नहीं तेनू ना तेरी धौन धून फट देनी किसी दिन। हाँ भूख लगी है, आइए देखो ऐसे 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 जबरदस्ती खाता है खाना,
हाँ चिकन ठंडा होंगे ना स्कॉची। भूख लगेगी दोनों को। ये विस्की का तरीका है बताने का। ये लो स्कॉच, इधर आ जा, उन्हें फाड़ लेना तेन। वो देखो दांत दांत चुड़ैल लगती है पूरी। और चुड़ैल, और चुड़ैले वहीं बैठ गए। स्कॉच चित्र है ना भूख लगी बेचारे को। गाइस स्कॉच को खाना दे आई हूँ, विस्की फुल तैयारी में बैठी हुई है। आलो खाओ गुगु, रोटी खा लो रोटी। हेलो गुड इवनिंग गाइस, दोपहर को मैं खाना खा के गई थी सो, आज काम वाम करके थक गई ना, झाड़ू पोछा करके गंगू बाई जो बनी हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, शाम हो गई है, कुछ भी नहीं किया आज पूरा दिन घर का काम किया, अभी क्या आपको पोछे मारते दिखाती कैसे पोछे मारते हैं, तो इसलिए मैंने आज कुछ भी नहीं किया था, पूरा दिन सोती रही हूँ। अभी सोच रही हूँ, भाई को कह रही हूँ कि चल कहीं घेरी बेड़ी लगा के आते हैं, वो कह रहा है मुझे जाना नहीं है कहीं, आराम से टिक के बैठी रहे, खुद चली जा अकेली, अकेला घूमने का मन नहीं करता। चल पा यार, तू चली जा, गड्डी से लेके जा, घूम फिर के आ। कोई घुमाने वाला ही नहीं है मुझे, कोई घुमाए घुमाओ मुझे कहीं कहीं पर, कोई घुमा फिर आई लाओ मुझे, कोई पहाड़ों पुड़ों पे ले जा कोई। आए, बहुत गर्मी है यार, बुरा हाल हुआ बड़ा गर्मी में। एक फायदा होता है गर्मी का, वो ये है कि स्किन आपकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि मेरी तो हो रही है अच्छी समझ में, पर कम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, पूरा दिन स्वेटिंग होती रहती है, एसी से बाहर निकल नहीं सकते, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब खाना बनाना होता है। जो अमृतसर का मौसम है ना, वो सिर्फ अमृतसर वाले समझ सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में सर्दी इतनी ज्यादा होती है, जैसे आप किसी हिल स्टेशन में हो, मतलब 2-3 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है विंटर्स में, और गर्मियों में इतनी गंदी वाली गर्मी होती है ना, क्या बताऊँ आपको मैं, राजस्थान वगैरह की जो डेजर्ट्स की गर्मी होती है वो भी कुछ नहीं होगी। बेटर है जून का महीना अच्छा है, क्योंकि मैं पैदा हुई थी तो ये फिर भी अच्छा है, और वैसे भी ये महीने इतना हॉट इसलिए होता है क्योंकि मैं पैदा हुई थी पहले दिन, फर्स्ट डेट को पैदा हुई थी 1 जून को, पर जो अगला महीना आना ना बारिशों का, उसमें निकलना असली जुलूस पूरा पूरा, सोच सोच के घबराहटे हो रही है मेरे को, बहुत बुरा हाल हुआ बड़ा यार गर्मी से, मर गई गर्मी में। मेरे से तो अच्छे विस्की और स्कॉच आराम से अंदर मम्मी के साथ एसी में बैठे हुए हैं, और मैं वो भी नहीं बैठ सकती क्योंकि मुझे अभी किचन में घुसना है काम वाम करने, कोई आ जाओ यार खाना खुना भी ऑर्डर करके मेरे घर भेज दो, सरप्राइज सरप्राइज खाना आया किसी ने भेजा है। मैं भी खुश हो जाऊंगी, चलो किसी ने मेरी सुन ली, तो मैं क्या बकवास करूँ मुझे कुछ नहीं पता। तो मिलती हूँ ब्रेक के बाद। तो गाइस भाई तो जा नहीं रहा साथ में, घूमने भी मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा ना कैच सोडा पीने को बहुत मन कर रहा है, तो मैं सोडा लेने जा रही हूँ, भाई ने तो जाना नहीं है, इतना अपनी मर्जी से जाता है जब जाना हो, अंधेरा भी हो रहा है अब तो। तो गाइस मैं जा रही हूँ सोडा लेने, ये देखो ये हाल है लोगों का, खाली प्लॉटों में आगे लगाई हुई है, और फिर कहते हैं इतनी गर्मी क्यों है, इसीलिए इतनी गर्मी है ना, आग ही लगाते रहते हैं, अभी गवर्नमेंट कहती भी है कि मत लगाओ पॉल्यूशन होती है, फिर भी लगाई जाते हैं, क्या किसी को कल कहे कोई कहे, कल भी हमारे किसी ने यहाँ पर आग लगा दी थी और बाद में पुलिस कंप्लेंट हो गई थी। आपको मेरी शक्ल नहीं दिख रही और मेरी आवाज इतनी प्यारी है, मेरी आवाज से एडजस्ट करो, और आप ये मत कहना कि ड्राइव करते हुए फोन नहीं पकड़ना चाहिए, जहां से जहां पर मैं ड्राइव कर रही हूँ वहां पर रश नहीं होता, तो नो इश्यूज। ये आया कोई, शक्ल दिखी मेरी, अच्छी शक्ल है वैसे मेरी। आपने मेरे से ज्यादा अपनी तारीफे करने वाला को बंदा देखा होगा जिंदगी में, कोई भी नहीं देखा होना, बंदा नहीं मतलब बंदी, बंदी देखिए बंदी, बंदियां तो वैसे करती रहती है अपनी तारीफे। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ सोडा लेने, होपफुली मिल जाए, क्योंकि कल पानी तो भाई ने कैचक मारा, अगर मिलता है तो ले लो। तो गाइस एस भाई ने बोला था कैच का सोडा यहाँ नहीं मिला, तो मैं अभी दूसरी शॉप से पूछ जाती हूँ, होपफुली वहाँ से मिल जाए, अगर नहीं मिला तो मेरा फिर दिल टूट जाएगा, और मैं सड़क के बीच में ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे कोई ठोक ठोक ही ना जाए, सो चेक करते हैं होपफुली यहाँ पर मिल जाए हमें कैच सोडा। गाइस फाइनली मुझे सोडा मिल गया, बट ठंडा नहीं है इतना, गरम गरम सा है, मैंने एक छोटा ले लिया अभी पीने के लिए, बाकी घर जाके एकदम चिल्ड करके पीऊँगी।
फूडा पता नहीं मुझे इतना ज्यादा पसंद है ना, मैं क्या करूँ। जब से ये मेरे को पता चला कि हाई तो चापी ओके, जब से मुझे पता चला कि कैच का सोडा आ गया। हेलो, कोई दिखी नहीं रहा आज हम लोग प्रेजेंट हो गए। हेलो कोई दिखी नहीं रहा ब्लॉग में। हाँ अब ये देखो सब कह रहे हैं, बोल दो बोलो। चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, आरुषि बहुत मजेदार व्लॉग होते तो देखो सब कहते हैं डेजी का चैनल सब्सक्राइब करो, तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कर दो डेजी को। तो गाइस ये मेरी फ्रेंड थी और उनकी डॉटर मुझसे पढ़ती रही है, तो उन्होंने भी बोल दिया चैनल सब्सक्राइब करो, तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरा जिसने नहीं किया अभी तक। अंधेरा इतना दिखना कुछ है नहीं है। पहले तो एसी चला के ना मैं छोटा सोडा पी लूँ, फिर ही घर जाती हूँ। मुझे मम्मी गुस्सा करते, ज़्यादा सोडा नहीं पीना चाहिए, पर वो कल ब्लॉग में देख ही लेंगे। एक हाथ से नहीं खुल रहा तो मुंह। वैसे भी आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था मैं हुई ओपनर। सो चीयर्स गाइस। खत्म भी हो गया, पता भी नहीं चला। चलो अभी मैं जाती हूँ घर, होगी मेरी शॉपिंग छोटेगी। बंद कर लो यहाँ पर रश है, भी ठोक ठोक ना तू किसी पे आके शितर शितर पड़ जाए मेरे को, कहना आई वड्डी ब्लॉगर है गड्डियां ठोकती है साडिया। चलो तो गाइस आज का डिनर तैयार है, अफगानी चिकन, चिकन टिक्का और हमारी बियर्स। तो मैं करने लगी हूँ इंजॉय चिकन। तो गाइस बस मैं लगी हूँ डिनर करने, डिनर करके आपसे बात करते। अभी इतना कुछ चिकन विकन और बियर वियर पड़ी हो सामने तो कैसे बंदे को कंट्रोल होगा, नहीं होगा ना। तो मैं भी खा पी लूँ बाद में बात कर। तो गाइस रात के 11:30 बज चुके हैं, अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने क्योंकि मेरे कज़न आए हुए थे घर में, तो हमने डिनर विनर तो कर लिया, तो हमारा दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का, तो हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। मम्मी हेलो कह दो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। वो पाजी भी कह रहे हैं हेलो गाइस। चलो आइसक्रीम खाने चले। चलो आइसक्रीम खाने चलो, अब भी खाते हैं अब भी खाते हैं, तो सभी जा रहे हैं एंजॉय करो। मम्मी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं आज लगता मेरे को। एक्चुअली जो एक्चुअली चक्कर क्या है, जो हमारे कजन आए ना मेरे पाजी, जो आपको तो पता अब तक तो पता चल जाएगा होगा मेरे पाजी, तो इनके साथ क्या है कि हमारी बहुत ज्यादा बनती है, लाइक यू नो मम्मी को भी बचपन से मतलब जानते हैं सारे, तो जब हम पाजी के साथ हम खुश इतने ज्यादा हो जाते हैं ना कि एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है क्या बताए। तो वैसे एक्साइटमेंट में हम जा रहे हैं अभी आइसक्रीम खाने, तो आप भी करो मेरे साथ आइसक्रीम एंजॉय आगे जाके। मिलते हैं गार्डन गार्डन हो गए, वो एक पंजाबी की कहावत होती है ना काटो फुल्ला दे, तो आज काटो फुल्ला दे फुल। मैंने तो कपड़े भी फुल्ला वाले पहने, तो मैं तो बनी काटो पड़ी हूँ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं आइसक्रीम खाने। ये डे नाइट स्टोर है, ये 24 आवर्स अमृतसर में खुला रहता है, तो हम अब लगे हैं यहाँ से आइसक्रीम लेने। देखते हैं कौन सा फ्लेवर है। भाई ले रहा है आइसक्रीम, हम आ जाते हैं बाहर। पाजी ने कहा था कि चॉकलेट नहीं लेनी, कोई और ले लो, तो फिर वी आर गोइंग फॉर मैंगो, क्योंकि समर्स में मैंगो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस अभी लगे हैं, वेट कर रही हूँ आइसक्रीम आती है खाते हैं और फिर हम जाते हैं घर। बहुत मज़ा आया, मतलब जब भी पाजी आते हैं ना हम बड़ा इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है उनके साथ, बचपन से जानते हैं ना एक दूसरे को, तो सो यू रियली इंजॉय जब आप बचपन से किसी को जानते होते हो। तो भाई लेके आ रहा है, मन कर रहा है बियर के बाद, बड़ा मज़ा आता है मीठा मीठा खाने का। बस गाइस बन रही है मेरी आइसक्रीम, ऑलमोस्ट रेडी। तो आ गया आइसक्रीम और भाई से जबरदस्ती फिर से मैंने वीडियो बनवाई जो हमेशा करती। गाइस बहुत टेस्टी है, मैंगो फ्लेवर लिया है, यम। मम्मा भी टेस्ट कर रहे हैं, बस ज्यादा खा नहीं सकते मीठा मम्मी। सही का भी है, न्यूजीलैंड की ब्रांड है निक दा। हां निक आइसक्रीम बहुत सही होती है, नेचुरल होती है ना एकदम से, न्यूजीलैंड का ब्रांड है। कितना मम्मी मस्त वाला, बहुत वेरी टेस्टी। हांडी खोल खा लो, स्पून मम्मी के पास में नहीं खा। थोड़ी तो गाइस हम हवेली आए थे,
और उन्होंने हमको इशारा कर दिया कि हवेली हो चुकी है बंद, तो हमारा ये रास्ता वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया हमारा आना, वापस जा रहे हैं। ये इनोवा तो ज्यादा स्पेशियस है। ये देख लो हम घर पहुंच गए हैं, दोनों गुस्सा हुए पड़े हैं कि हमें क्यों नहीं लेके गए साथ। वो देखो हाँ कलर है किसी को कर कर रहे किसी के, पानी पी लो। हाँ पानी। रात बहुत हो गई है, अब मैं लगी हूँ सोने, नींद पूरी जोर पे है। तो मिलती हूँ आपको कल नए ब्लॉग के साथ, जुड़े रहो डेजी कॉल के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो शेयर करो और कमेंट जरूर करा करो। तो सो गाइस मिलती हूँ कल आपसे, बाय।